Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss chapter number 3 and the chapter name is Our Senses, Class 4, Subjects EBS. Okay, but this chapter is session number 1st time. और चैप्टर का नाम है तुम्हारा आवर सेंसेस. आवर सेंसेस बोलने का मतलब होता है सेंसेस. सबसे पहले समझना है कि सेंस क्या होता है. सेंस तो इसको अगर मैं बोलता हूं तुमसे तो सेंस को आप एक लाइन में ये समझ सकते हैं कि दुनिया की समझ. ठीक है, एक समझ. समझ को हम पता है क्या बोल सकते हैं, सेंस बोल सकते हैं. अब देखो ये समझ है, ये समझ को थोड़ा मैं और डीप जाता हूँ और स्पेसिफाई करता हूँ तो मैं और अच्छे से समझ में आएगी कि समझ कहने का मतलब हुआ क्या. अब जैसे देखो तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंस ऑर्गेन है. ठीक है, बहुत सारे तुम्हारे पास सेंस ऑर्गेन है. तो उस सेंस ऑर्गेन का काम होता है कि तुम्हें बताना, तुम्हारे ब्रेन को बताना. अब जैसे कि तुम्हारे आसपास में कोई घटना हो रहा है, ठीक है, कहीं पे कुछ आग लग गई या फिर तुम्हें किसी ने टच कर दिया, ठीक है, या तुम्हें चोट लग गई, तो तुम्हारे सेंस ऑर्गेन का वहां पे काम होता है कि तुम्हें बताने के लिए कि देखो फलाना जगह पे आग लग गई है, तुम्हें यहां से बाहर जाना चाहिए. तो तुम्हारा वहां पर पता है सेंस ऑर्गेन क्या काम किया. आंख तुम्हारा देखा कि हाँ वहां पे आग लग गया और आग इतनी लपट पड़ रही तो हमें यहां से बाहर जाना चाहिए. तो आंख ने तुम्हें बताया कि आप यहां से निकल लो. ठीक है, अब यहां पे तुम्हें चोट लग गई तो अब चलो मान लिया वहां पे आंख ने नहीं देखा. अब मेरे यहां पे चोट लग गई, ठीक है, मान लिया पीठ पे, मैंने आग में नहीं देखा उसको, कैसे देखेगा, पीछे तो आग है नहीं हमारे पास, तो चोट लग गई पीछे. तो हमारा जो यहाँ पे का जो सेंस ऑर्गेन स्किन चमड़ी स्किन मेरे से कहेगा कि भैया तुम्हारे यहाँ पे चोट लग रहा है, तुम यहाँ से निकल लो या फिर पीछे घूम के देखो रीजन क्या हो सकता है चोट लगने का. तो ये दो एग्जाम्पल के जरिए मैं तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन या घटना जो कि हमारे आसपास हो रहा है तो हमारा जो सेंस है, हमारा जो समझ है, जो हमारा सेंस ऑर्गेन है, हमें समझ बताता है कि अच्छा देखो तुम्हारा ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गेन है हमारे पास, तो सबका अलग अलग काम होगा और सबका एक स्पेसिफिक काम होगा. तो सब सबके काम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. और ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 ये चार टॉपिक हमारे इस चैप्टर के अंदर आता है. तो इस चार टॉपिक के इर्द गिर्द ही आस पास ही तुम्हारा पूरा चैप्टर घूमने वाला है. तो इसको मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे देता हूं कि क्या बोलना चाहता हूं. सेंस ऑर्गेन तुम्हारे पास सेंस ऑर्गेन है मैंने कहा, तो यहाँ पे सेंस ऑर्गेन में तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गेन है, जैसे तुम्हारा आंख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया, ये सब टाइप के सेंस ऑर्गेन है तुम्हारे पास. ठीक है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेंस करेंगे. जैसे आंख है ये देखने का काम करेगा, विजन देख लिया अच्छा वहां कुछ घटना घटता है तो आंख तुमको सेंस करेगा कि देखो घटना घटता है तो तुम्हें ध्यान ये करना चाहिए. जैसे कान है, ठीक है, तो बहुत तेज आवाज हो तो तुम्हें वहां पे सेंस किया तुम्हारे कान ने कि हाँ तुम्हें तुम्हारे आसपास कोई चीज किसी चीज के फटने की आवाज आई तो वहां से भाग जाओ. ठीक है, या फिर जाकर देखो क्या हो गया, मान लिया कोई जा रहा है और गाड़ी से गिर गया रोड पे, तुम्हारे तुमने उसको देखा नहीं, तुमने आवाज सुना आराम से आवाज किया, तुम वहां पे स्टैंड हो जाके देखो अरे यहाँ क्या आवाज किया, तुम देखो भाई हाँ हाँ गाड़ी से गिर गया, फिर तुम उसकी मदद करो. तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के तुम्हारे सेंस ऑर्गन मिले. अब देखो सेंस ऑफ टच, अब तुम्हें कोई टच कर रहा है तो उसकी समझ कैसे होगी कि हाँ मुझे कोई टच कर रहा है, तो उसमें क्या है कि सेंस का तुम्हें टच का तुम्हें समझ किस वे में उस टच को समझते हो कि मुझे कोई छू रहा है, क्यों छू रहा है, कैसे हमें मैसेज गया कि हाँ मुझे कोई छू रहा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर. गुड एंड बैड टच, अब कोई छू रहा है तो अब जैसे छू रहा है कोई मुझे टच कर रहा है तो गुड एंड बैड टच बोलने का मतलब यह हुआ कि जैसे कोई तुम्हें हग कर रहा है तो कोई तुम्हें से हैंडशेक कर रहा है, हाथ मिला रहा है, अब कोई तुमसे जैसे मम्मी पापा बच्चों को बुला कर तो किस वगैरह ले लेते हैं, किस वगैरह लेते हैं तो क्या होगा बच्चों से बोलूंगा क्या है, तो ये सब गुड टच में आ गया. ठीक है, और बैड टच में क्या आ गया, जैसे कोई तुम्हें स्लैप मार रहा है, कोई तुम्हें मुक्का मार रहा है तो टच हुआ ना, जिसने तुम्हें पंच मारा था टच किया जाओगे तो क्या हो गया बैड टच, कोई स्लैप मारा बहुत तगड़ा वाला थप्पड़ मारा किसी ने
तो यहां पर टच किया तो मैं कहूंगा क्या, टच तो हुआ, मेरे को टच भी समझ में आई कि हाँ किसी ने मेरे को टच किया, ये गुड टच है या बैड टच है। जब डिसाइड करूंगा थप्पड़ मारा तो बैड टच हुआ, और किसी ने हग किया मतलब उन्हें गले लगाया तो क्या हुआ, गुड टच हुआ। चलो ठीक है, तो हम इस टॉपिक में इसी चीज पर सब बात को डिस्कस करें। अब देखो डिफरेंटली एबल्ड, ये टर्म है डिफरेंटली एबल्ड। देखो जरूरी नहीं है कि इस धरती पे जितने लोग पाए जाते हैं सबके सबका सेंस ऑर्गन अच्छा ही हो। अब जैसे किसी किसी को तुमने नोटिस किया होगा कि उसके पास आंख नहीं होता, ठीक है, किसी को नोटिस किया होगा कि वो बहरा है, ठीक है, या फिर किसी किसी ने के पास ऐसा होता है कि नाक होता भी है लेकिन वो उसका नाक फंक्शन लेस हो जाता है, वो सुन नहीं पाता है, ठीक है। तो ये सब उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे हमारे जैसे आस पास लोग रहते हैं जिनके सेंस ऑर्गन सही नहीं होते, ठीक है। और इस धरती पे ना सब कुछ आइडियल नहीं हो सकता, सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ चीजें भी ऐसी होती हैं जो हमें मतलब नॉर्मल नहीं होता, थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, इसी को टर्म दिया गया डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। आप क्या बोलते हैं उसको, दिव्यांग, विकलांग, ये सब क्या होता है, ये सब डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। जैसे कि हम जैसे नॉर्मल है वो ऐसे नहीं है, तो हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से लोग हैं, क्या मतलब वो क्या फीचर नहीं होता उनके अंदर जिसकी वजह से वो डिफरेंटली एबल्ड वाले कैटेगरी में डाल दिया है। तो हम एक एक करके इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलो मैं इसको मिटाता हूं तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो इसका फर्स्ट लाइन में लिखता हूं, ये सेंसेस क्या कहना चाहता है आपसे, जो मैंने बताया था आपसे डिस्कस किया है उसको मैं आप थोड़ा थ्योरी में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब वो सेंसेस हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस, दुनिया कैसी है, हमारे आसपास क्या क्या घटना हो रहा है, इन सबको बताना सेंस ऑर्गन का काम है। सेंस कराना हमें दुनिया से अवगत कराना, दुनिया से रूबरू कराना कि हमारे सेंस ऑर्गन का काम है कि दुनिया कैसी है, वहां पे क्या घटनाक्रम हो रहा है। ये मैंने लिख दिया लाइंस, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था डिटेल, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं और स्पेसिफिक हो रहा हूँ सेंस के बारे में, ठीक है, कि सेंस का कैसे मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, फिर ब्रेन से कैसे सेंस ऑर्गन के थ्रू मैसेज आता है कि हाँ पहले तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे ये घटना हो रहा है, तो वो सेंस ऑर्गन हमें दिमाग को बताता है कि देख लिया वहां पे ये घटना हो रहा है, उसके बाद ब्रेन उसको बताता है उस सेंस ऑर्गन को कि हाँ तुम्हें अब क्या करना चाहिए, ठीक है, देखो क्या करना चाहिए। सेंस ऑर्गन कंटेंस थाउजेंड ऑफ नॉर्म, देखो सेंस ऑर्गन के पास ना थाउजेंड ऑफ नर्व्स होता है, ठीक है, हजारों संख्या में नर्व होता है, तो वो नर्व का काम होता है कि मैसेज को सेंस ऑर्गन टू ब्रेन ले जाने का, और फिर ब्रेन का में जो वो मतलब सेंस गया तो फिर ब्रेन वहां से फिर नर्व्स को मैसेज देगा कि अब तुम जाके सेंस ऑर्गन को बताओ कि तुम्हें क्या करना पड़ता है। तो एक वे है, एक मीडियम है रास्ते में, ठीक है, कोई तो नहीं पहुंचा रहा, तो वो कौन पहुंचा रहा है, नर्व का काम है नर्व, यदि थाउजेंड ऑफ नर्व्स होता है किसके पास, सेंस ऑर्गन के पास, और कहां तक अटैच होता है, ब्रेन तक अटैच होता है, फिर ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक अटैच होता है, तो मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, नर्व प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलो नर्व को तो ध्यान को मात्र रखना कि हम नर्व का काम मीडियम में नहीं प्रोवाइड करते, सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड एंड सेंस टू ब्रेन, मैंने लिख दिया नॉट, क्या करता है सिग्नल, बाहर का जो सिग्नल होता है तुम्हारे आसपास में जो घटना घटित हो रहा है उसके सिग्नल्स को मैसेज को क्या पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है, ये बातें मैंने लिख दिया आपको। चलो ठीक है, आगे लिखता हूँ,
चलो इसको नोट डाउन कर लो, मैं आपस के आगे में लिखता हूँ, ठीक है, पोस्ट करके आप नोट डाउन कर लो इसको। देखो नर्थ ने क्या किया था, सेंस ऑर्गन के नर्थ ने क्या किया था, ब्रेन तक पहुंचाया था सिग्नल्स को कि तुम्हारे आसपास ये घटना घटित हो रहा है, उसके बाद क्या हुआ, ब्रेन ने क्या किया, प्रोसेस किया, अच्छा हाँ ये घटना घटित हो रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो फिर वो वहां से मैसेज सेंड करेगा किसको, सेंस ऑर्गन के पास, किसके थ्रू, ये सब के बीच में मीडियम कौन है, नर्व के बीच में मीडियम। और देखो ये सब फेनोमेनन ना बहुत कम टाइम में होता है, माइक्रो सेकंड में, मतलब एकदम छोटे से समय में होता है, मतलब ये देखो मैंने यहाँ पर टच किया मेरे दिमाग को पता चल गया कि हाँ यहाँ पर किसी ने टच किया, ठीक है, बहुत माइक्रो सेकंड में होता है, बहुत कम समय में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हैपेंस इन माइक्रो सेकंड, तो खाने से पहले अगर तुम्हें उसका स्मेल पता करना है कि वो कैसा स्मेल करता है, और मैंने तुम्हारा आंख बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और बोला कि ये मैं तुमसे दे रहा हूँ ये तुम खाओ, तो आंख बंद करके तो तुम तो देख नहीं रहे हो उस सामान को, खाना क्या दे फूड को, तो मान लिया मैं तुमसे सड़ा वाला सामान दे दूं खाने को और तुम्हारे आंख को थोड़ी देर के लिए पट्टी लगा दूंगा, तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन तुम अपने नजदीक लाओगे उस फूड को तो तुम्हारे मतलब नाक में वो स्मेल जाएगा सड़े हुए सामान, तो तुम्हारा जो नाक को वहां पर सेंस ऑर्गन का काम किया ना, अब सेंस ऑर्गन है तो उसके पास नर्व होगा, तो नाक ने सड़े हुए सामान को सूंघने का काम किया, उसके उसके नर्व ने दिमाग को सिग्नल भेजा कि भाई यार तुम जो खाने जा रहे हो, भाई साहब तुम जो खाना खाने जा रहे हो वो सड़ा हुआ है, तो फिर किसने भेजा, ब्रेन के पास सिग्नल भेजा नोज ने, किसके थ्रू, नर्व के थ्रू, उसके बाद ब्रेन के पास वो सिग्नल गया कि अच्छा एक सड़ा हुआ सामान है तो अगर मैं खाऊंगा या खाऊंगी तो मेरी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, तो फिर ब्रेन क्या करेगा, वहां से सिग्नल भेजेगा नर्व के थ्रू तुम्हारे सेंस ऑर्गन के पास, नाक के पास, या फिर तुम्हारे दिमाग में प्रोसेसिंग हुआ इस बात का कि हाँ हमें ये चीज ये खाना है, ये फ्रूट नहीं खाएंगे क्योंकि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो क्या करेगा, तुम फूड खाओगे नहीं, खाओगे या नहीं खाओगे, तुम उस फूड को नहीं खाओ, बिल्कुल नहीं खाओगे, क्यों, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तो देखो सेंस ऑर्गन ने इस टाइप से तुम्हें मदद की, ठीक है, क्लियर है इस एग्जाम्पल से। चलो अब नेक्स्ट क्लास में, अब अभी का सेशन में यही एंड करता हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगा कि जो पांचों सेंस ऑर्गन मैंने बताया सबको मैं एक एक करके डील करूंगा कि ये किस टाइप से सेंस करता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज, ठीक है, चलो ठीक है, अब तक के लिए थैंक यू, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे, धन्यवाद।